मेरे सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे अवेयरनेस ऑफ लेटेस्ट लेबर लॉज की सीरीज 12 के तहत कि जो अभी नए कोड ऑन वेजेस का हमारे टेक होम सैलरी पर या टेक होम वेजेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जो नई इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट घोषित की गई है वह है 1 अप्रैल 2021, और इसके इम्प्लीमेंटेशन से कर्मकारों के मन में, कर्मचारियों के मन में और मालिकों के मन में, या यूं कहूं नियोक्ताओं के मन में तरह तरह की शंकाएं, भ्रम और कुछ क्वेरीज पैदा हो रही हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊं ताकि उनको मिनिमाइज किया जा सके। तो जो नए वेज की डेफिनेशन है वो उसमें सभी कुछ जोड़ दिया गया है। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह दी गई है कि उसमें तीन कंपोनेंट जिनका सम आपके 50% के बराबर होना चाहिए, जिन पर प्रोविडेंट फंड, ईएसआई आदि सब कटेंगे। इसमें लिखा गया है कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। लेकिन यह है सब जो नया वेज की डेफिनेशन है वो इन कुछ चीजों को जोड़ता नहीं है, जैसे बोनस पेबल अंडर द लॉ, नंबर टू वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, जो आपको कंपनी ने मकान दिया हुआ है उसकी हाउस की वैल्यू नहीं जोड़ता है, नंबर तीन एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड द इंटरेस्ट विच मेड हैव अकर्ड देयर ऑन कन्वेंस अलाउंस। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जो आपके 50% में छोड़ दिया और 50% को जोड़ लिया। तो ये जो 50% का फॉर्मूला है यह हमारे सारे सिस्टम को कुछ इधर से उधर पहुंचा सकता है, जिसको जानना समझना एक नियोक्ता के लिए और एक कर्मचारी के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि जो स्ट्रक्चर में चेंज होगा, चेंज इन सैलरी और वेजेस स्ट्रक्चर में, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी मस्ट बी इक्वल टू 50% ऑफ रेमुनरेशन। पहले क्या करते थे लोग, इनको कम करते थे, कहीं 60-40 का फॉर्मूला था, कहीं 45-55 का फॉर्मूला था, इवन कुछ जगह तो 35-65 का फॉर्मूला, जिससे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कम रहता था और मंथली सैलरी ज्यादा मिलती थी। अब उल्टा हो जाएगा कि आपको जो ये अलाउंसेस हैं ये बढ़ जाएंगे और जो बेसिक प्लस डियरनेस प्लस रिटेनिंग अलाउंस है ये उसके बराबर हो जाएंगे, अब उनमें अंतर नहीं रहेगा, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म में ग्रेचुटी पर फर्क पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। नंबर दो, जब लीव एनकैशमेंट होगा तो उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। नंबर तीन, आपका जो कंट्रीब्यूशन एडिशनल प्रोविडेंट फंड का आएगा या ईएसआई की लिमिट का आएगा वो बढ़ जाएगा, तो जिससे आपकी जो एम्प्लॉई है, जो लो पेड एम्प्लॉई है, उनकी तनख्वाह कम हो सकती है और यह भार एम्प्लॉयर पर या नियोक्ता पर बढ़ सकता है। अब इसका इंपैक्ट ऐसे है कि जैसे ग्रेचुटी की जो नई कोड, जो नए लेबर कोड्स आए हैं, उनमें ग्रेचुटी की सीमा, एलिजिबिलिटी की सीमा घटाकर कम कर दी गई है, वह 1 वर्ष है। तो अब आपकी ग्रेचुटी, यदि किसी की सर्विस लंबी है और डेफिनेशन में उसकी वेज में वेज बढ़ जाएगी, तो उसकी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन काफी
बढ़ जाएगी, इतना शायद एम्प्लॉयर ने अपने यहां उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रावधान नहीं किया है। तो यह एक बड़ा कारण होगा जिसको सेटल करना बहुत आवश्यक है। नंबर दो, ऐसे लीव एनकैशमेंट है, बहुत सारी कंपनियां लीव को एक्यूमुलेट करती रहती हैं और बाद में लीव एनकैशमेंट केवल बेसिक पर करती थी, बेसिक प्लस डीए पर, जिससे उन्हें काफी कम भुगतान करना पड़ता था। अब यह भुगतान की राशि काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए जो सर्विस का पीरियड है एम्प्लॉई या वर्कर का वो जानना है, जिनका शॉर्ट टर्म है उन पर नए प्रावधानों का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, जो मीडियम लेंथ की सर्विस है जिनकी 2 साल से लेकर के 10 साल तक, उन पर थोड़ा ज्यादा आएगा, और जिनकी सर्विस लंबी हो गई है 20 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की है, उन पर यह प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उनकी ग्रेचुटी की, उनकी लीव एनकैशमेंट, यदि उन्होंने लीव अपनी इकट्ठी करके रखी है तो उनका प्रभाव काफी अधिक हो जाएगा। इसी तरह से यदि देखें कि पे कंपोनेंट चेंजेज विल बी डिफरेंट अक्रॉस द लेवल्स, ये जो पे कंपोनेंट्स हैं, जो आज सैलरी के कंपोनेंट्स हैं, उनका भी मैं 3 भागों में बांटता हूं, जिनकी लो सैलरी और वेजेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, ईएसआई, बोनस एंड ग्रेचुटी विल गो अप, यह बढ़ जाएगा। दूसरे जो मिड टर्म के हैं उनका जो स्टेटूटरी बोनस जोड़ा गया है, क्योंकि अब उनको बोनस मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी और सुपर एनुएशन पे आउट्स बढ़ जाएंगे। और जो हाई रेंज के उनकी 2 चीजें बढ़ेंगी, ग्रेचुटी और सुपर एनुएशन पे आउट्स। तो यह हमारे सारे वेज स्ट्रक्चर को या पे स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देगा। यदि इसमें ठीक से काम नहीं किया गया तो इसके परिणाम दोनों के लिए काफी डिस्टर्ब करने वाले भी हो सकते हैं, और यदि ठीक से इनको समझा गया और ठीक से इनको लागू किया गया तो जो भारत सरकार की नियति है, भारत सरकार की मंशा है, उसको हम लागू करने में सहायक सिद्ध होंगे। अभी यदि हम देखें जिन कंपनियों में, एक और भी अभी वर्तमान में देखा जा रहा है, जिनमें सीटीसी बेस्ड पे स्ट्रक्चर है, उन पर इम्पैक्ट कम आएगा, वे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जहां सीटीसी बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं था, बहुत सारी कंपनियां ग्रेचुटी को सीटीसी में इंक्लूड करती थी, बहुत सारी कंपनियां नहीं करती थी, बहुत सारी कंपनियां लीव एनकैशमेंट को सीटीसी में इंक्लूड करती थी, बहुत सारी नहीं करती थी, तो यदि ये सीटीसी बेस्ड और नॉन सीटीसी बेस्ड स्ट्रक्चर है तो दोनों पर अलग अलग इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जहां सीटीसी में सब चीज इंक्लूड है वहां इसका प्रभाव कम आएगा, केवल वेज कंपोनेंट ठीक करने की बात है इस साल में, नहीं तो अगले पे स्ट्रक्चर में ठीक हो सकता है, साल में एक बार जब भी हम पेज ठीक करते हैं वहां होगा। लेकिन जहां यूनियनों के द्वारा समझौते के तहत 5 साल में या 3 साल में, जो भी उनके समझौते की समय अवधि है, उसके अनुसार ये कंपोनेंट चेंज होते हैं तो इसका प्रभाव कुछ अलग तरीके से पड़ेगा। अब उनको समझना, जब तक उनके एग्रीमेंट की जानकारी ना हो या उनके एग्रीमेंट की डिटेल ना हो तो कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन वेज स्ट्रक्चर चेंज होने से उन पर असर जरूर आएगा। ऐसे ही इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयर पर होगा। इसके आने से एम्प्लॉयर के ऊपर जो ह्यूमन कैपिटल की, जो हमारी मानवीय पूंजी की कीमत है, वह बढ़ जाएगी। आप उसे किसी तरह भी देखिएगा, वह बढ़ जाएगी। अब उसको टेक होम सैलरी या टेक होम वेजेस कम मिलेंगी या ज्यादा मिलेंगी, यह उस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की, हमारी मानवीय पूंजी की कॉस्ट अवश्य बढ़ेगी, और जिसको हम आगे आने वाले टाइम में समय के अनुसार ठीक कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन केवल यही होगा। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी सर्विस मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की है उन पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, दूसरा जिनकी टेक होम सैलरी लगभग लगभग सभी की कम होगी, नंबर 3 जो इसमें डेली वेजेस हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं या जो
छोटे बहुत छोटे लोग हैं उनकी सैलरी भी काफी इधर से उधर प्रभाव करेगी। अतः इन सब को जानना समझना एचआर डिपार्टमेंट के लिए या जो इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट की टीम है उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि वह अभी से लोगों को समझाना शुरू करें, बताना शुरू करें, ताकि उनके यहाँ जो संदेह की स्थिति है वह कम हो और औद्योगिक संबंध मधुर बने रहें और लोगों को एक एक चीज की जानकारी पूर्णतः स्पष्ट करा दी जाए। यदि इन सब का प्रभाव ठीक से नहीं समझाया जाएगा तो औद्योगिक शांति या औद्योगिक संबंध पर भी असर पड़ सकता है। मैं यह बात यहाँ स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जहाँ इन चीजों को स्पष्टता से नहीं समझाया जाएगा वहाँ भ्रम की स्थिति बहुत अधिक बनेगी और एक दूसरे पर विश्वास कम हो सकता है, जिससे जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो है जिसकी मैं बार बार बात करता रहता हूँ वह अगले एक दो साल तक प्रभाव में आ सकता है। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा मैं जब तक उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के उन चीजों को नहीं समझू तब तक कमेंट नहीं कर सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना अवश्य कि प्रभाव अवश्य आएगा क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी या किसी और रूप में थी जिनका प्रभाव अब आना निश्चित ही है। अतः आप इन चीजों को समझकर जानकर अपनी सावधानी के साथ वेज स्ट्रक्चर को समझकर अपनी गणना को समझकर अपनी प्लानिंग करना आवश्यक है। आज के इस अवेयरनेस सेशन में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जाएगी या नए और तीन कोड के रूल्स फ्रेम होकर के आएंगे हम उनकी बात आपके साथ साथ करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अवश्य बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के चैनल आपको मिले। एक बात मैं और भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको कोई भ्रम है, संशय है, कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है वह हमें लिखे, हम उसकी संशय के लिए, उसकी निदान के लिए या उसका जो सॉल्यूशन मैं अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से जितना मैं जानता हूँ या मेरी टीम जानती है क्योंकि हम यही काम करते हैं, वो आपका उत्तर देने की कोशिश अवश्य करेंगे। आप सभी का मेरे वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।